Hi guys, this is Aniket Rao from Jinera Study. Rational and Logical Study don't mug up. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के जो एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आरपीएम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें खुद पता होगा कि मैं कहाँ तक डिस्कस करता हूँ, कैसे डिस्कस करता हूँ, उन्हें खुद समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बना रखा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अलग बना रखा है जी, करंट अफेयर का अलग बना रखा है, इंग्लिश का अलग, सारे प्लेलिस्ट अलग हैं। तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और देखिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को रिकमेंड करें ताकि वो भी इस नॉलेज का बेनिफिट उठा सके। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर में हम तीन टाइप के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू, वन लाइनर एंड प्रैक्टिस सेट। तो अभी हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का हाल में ही निधन हो गया है। तो जॉर्ज जो बुश थे उनका क्या हो गया जी, निधन हो गया है। तो इस तरह क्या हुआ, जॉर्ज बुश देखिए निधन हुआ है, तो उनको हम ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो इनका डेथ हो गया है जी। हाल में किसे ब्लू क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। तो ब्लू क्रॉस जो अवार्ड है वो आपको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, IISF द्वारा दिया जाता है, ठीक है जी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो इसके द्वारा दिया जाता है। तो ये मिला है अभिनव बिंद्रा को, जो क्या देती है जी, ब्लू क्रॉस अवार्ड देती है, जो मिला है अभिनव बिंद्रा को। चलिए जी, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत अमेरिका और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। तो बात की जाए जो G70 समिट हुआ था उसके साथ ही अनऑफिशियल ये तीनों देश भारत अमेरिका और जापान ने क्या किया था जी, मीटिंग किया था। तो वही है भारत अमेरिका और त्रिपक्षीय मीटिंग हुआ, किसके बीच हुआ है, तो जापान अमेरिका और इंडिया। इसको नाम दिया गया है जे से जापान, ए से अमेरिका और आई से इंडिया, ठीक है जी। तो ये जय इस मीटिंग का नाम दिया गया है। बात की जाए जापान के बारे में, तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं जी। जापान की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, एन है। कैपिटल क्या है जी, तो टोक्यो है। संसद का नाम क्या है, तो डाइट है। देखिए क्वेश्चन सारे रिलेटेड हैं, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक क्वेश्चन के पॉइंट पर ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस था। तो देखिए ये 54वां स्थापना दिवस था। तो BSF का स्थापना दिवस कब होता है जी, तो 1 दिसंबर को होता है। BSF का एड्स डे और BSF स्थापना दिवस क्या है जी, एक ही दिन है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। किसने फ्रीडम ऑफ पेरिस पुरस्कार छीन लिया गया, किस से। देखिए फ्रीडम ऑफ पेरिस पुरस्कार जो है आपको ये दिया गया था आंग सान सू की को, जो ये वापस ले लिया गया है। मैं बात करूँ आंग सान सू की, जो म्यांमार में जो रोहिंग्या पर जो आपको अत्याचार हो रहा है उससे निपटने के लिए वो कोई भी कदम नहीं उठा रही है, इसलिए ये हमारे वर्ल्ड के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। तो बात की जाए अमनेस्टी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने भी क्या किया, एम्बेसडर ऑफ द कंसेंस का अवार्ड आंग सान सू की को दिया था, वो भी रिटर्न ले लिया, वापस ले लिया। जो कनाडा का सिटीजनशिप था आंग सान सू की को, तो कनाडा कंट्री ने भी उनका सिटीजनशिप हटा दिया जी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आंग सान सू की को बहुत सारे फेस करने पड़ रहे हैं जी प्रॉब्लम्स, जो क्योंकि वो रोहिंग्या के फायदे के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है, और जिससे क्या हो रहा है कि आपको जैसे 1971 में 1971 में क्या हुआ था, जैसे बांग्लादेश में आपको और इंडिया के बीच टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश में रहने के लिए वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है ना जी। तो इससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। वैसे ही क्या हो रहा है कि जो रोहिंग्या है वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और उनको क्या हो रही, परेशानी हो रही है, और इसमें कदम वे नहीं उठा रही है, इसलिए उनसे बहुत सारे ये जो अवार्ड्स, उनके जो जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए 19वें हॉर्नबिल महोत्सव शुरुआत कहाँ की है, तो नागालैंड की है। कहाँ किया गया थे, नागालैंड किया गया। तो बात की जाए नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड के CM कौन है जी, तो नेफेरियो है। गवर्नर कौन है, तो पद्मनाभ आचार्य है जी। कैपिटल कहाँ है, तो कोहिमा है। नागालैंड का कैपिटल कहाँ है, तो कोहिमा है। देखिए ये सब चीज़ें याद रखिए, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है। और आप जब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस सब को समझे जी। पहला ग्लोबल एशियन एविएशन शिखर सम्मेलन, एविएशन जो होता है आपको रिलेटेड टू द एयरप्लेन होता है, ठीक है जी।
तो एविएशन क्या है जी, तो ये मुंबई में शिखर सम्मेलन किया गया, कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है जी। तो देखिए ये सब एविएशन वगैरह के जो भी शिखर सम्मेलन है उसको याद रखिएगा जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वन लाइनर, देखिए एमसीक्यू हो गया। अब आते हैं वन लाइनर करंट अफेयर की तरफ, तो बोला है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी, 7 दिसंबर को। मेक्सिको के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो मेक्सिको के नए राष्ट्रपति में आंद्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर है जी। कौन है जी, आंद्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर है। देखिए प्रोनाउंसिएशन कभी कभी क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा जी। अगर 2022 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, देखिए G20 का अभी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था जी, तो इंडोनेशिया में हुआ था। अब 2022 का कौन कराएगा, तो भारत कराएगा। अब बात की जाए 2018 का अर्जेंटीना में हुआ था। और देखिए कंप्यूटर लिटरेसी डे अभी आपको जो मनाया गया है 2 दिसंबर को मनाया गया जी। तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा याद रखिएगा। सिंगापुर को पछाड़ते हुए किस देश के पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है, तो यूएई का जो पासपोर्ट है वो क्या है जी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। अब आज करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए क्या है जी, ये सब क्वेश्चन है, ये आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के, और आप इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। मेरा मानना है कि आप जितना लिखिएगा उतना आपको याद रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में वो सारी बातें लिखिए जो जो आपको इसके बारे में पता है, जो लिखिए, जितना आप लिखिएगा उतना क्या होगा जी, आपको फ़ायदा होगा। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप क्वेश्चन के बारे में जितना जानते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। चलिए जी ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसे मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो देखिए मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, उन वीडियो को भी देखते रहिए जी और समझते रहिए। बोले असम का कैपिटल पूछा गया था जी, दिसपुर है, ठीक है। मैरी कॉम किस गेम से रिलेटेड है, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। हृदय एक योजना है जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था जी, तो हृदय का होता है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है जी। फ्रेंच 2018 का टेबल टेनिस का अवार्ड किसने जीता था जी, फ्रेंच ओपन टेनिस 2018 किसने जीता था, तो राफेल नडाल ने जीता था। किसने जीता था, राफेल नडाल ने जीता था। इकोनॉमिक फादर किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है जी। त्रिपुरा में कौन से सरकार है अभी, तो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ का सीएम कौन है जी, तो बिप्लव कुमार देव है। ऑस्कर अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो फिल्म अवार्ड से रिलेटेड है। ऑस्कर अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो फिल्म अवार्ड से रिलेटेड है। ऑस्कर अवार्ड इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पूछ रहा है, इंटीग्रेटेड को रेलवे की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो तमिलनाडु में है जी। तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से याद कीजिए। सोडा वाटर में क्या मिलाया जाता है जी, तो CO2 मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। देखिए अब CO2 भी लिख सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकता है। वाटरलू कहाँ पाया जाता है जी, तो बेल्जियम में पाया जाता है। सेकेंड वीमेन फाइटर प्लेन पायलट कौन बनी है, तो भावना कांत बनी है। सेकेंड भावना कांत है। अगर फर्स्ट की बात कर जाए तो ओनी चतुर्वेदी है, कौन है जी, सेकेंड वीमेन फाइटर प्लेन पायलट। सेकंड कौन है, भावना कांत है। फर्स्ट कौन है, ओनी चतुर्वेदी है। श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक किसने लगाया जी, तो रोहित शर्मा ने लगाया है, 264 रन बनाए थे उस समय। 37 हॉकी चैंपियनशिप की विनर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, कौन है जी, 2018 में हुआ था हॉकी चैंपियनशिप का विनर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो म्यूजिक से रिलेटेड है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो रंजन गोगोई है। सुनामी शब्द का जन्म कहाँ हुआ है, तो जापान में हुआ है। अकबर का बर्थ प्लेस कहाँ है जी, तो अमरकोट है। टाइटन किसका उपग्रह है, टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये सैटर्न का यानी शनि का उपग्रह है जी। मिनिमम स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है जी, तो 25 सेंटीमीटर होती है। टाइग्रस वुड किस खेल से रिलेटेड है, टाइग्रस वुड्स गोल्फ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी, गोल्फ से रिलेटेड है, टाइग्रस वुड्स गोल्फ से रिलेटेड है। इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो मुस्ताजीफुर रहमान है जी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। मालगुडी डे के राइटर कौन है जी, तो आर के नारायण है। देखिए बुक्स एंड ऑर्थर के भी मैंने क्या क्या प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन सीओ के बना रखे हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है आप करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जी।
डाबोल परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नोकिया के सीईओ कौन है? तो राजीव सूरी है। ठीक है जी, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, आज ही डिस्कस किए थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ, कौन देश कराएगा जी, होस्ट कौन कराएगा? तो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका तीनों मिलकर कराएंगे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जाँच के लिए किया जाता है जी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है जी? तो मेहर विज सीक्रेट सुपरस्टार है। भूटान का कैपिटल थिम्पू है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार में है। रिपब्लिक बुक के ऑथर कौन है? तो प्लेटो है। गेमविट किस गेम से रिलेटेड है? तो शतरंज से रिलेटेड है जी। भारत पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बना है? तो अप्सरा है जी। किस देश की समुद्री सीमा बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा बड़ी है? तो कनाडा की सीमा बड़ी है जी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ बना है जी? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपको करनाल में बना है। बात की जाए ओम का रिस, तो ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है जी? तो ओम होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे, तो आज इस वीडियो का हम लोग लाइक रखते हैं 1000 लाइक का। मैं आज इस वीडियो का टारगेट सेट कर रहा हूँ 1000 लाइक का। आप भी डेली बाय डेली आप वीडियो आप भी टारगेट सेट कीजिए डेली, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा समय दीजिए। सो एंजॉय योर लाइफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड रिकमेंड योर फ्रेंड्स। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।